देश कोरोना से जूझ रहा है। करीब डेढ़ साल से ज्यादा का वक्त हो गया, ना तो ठीक तरह से स्टूडेंट्स की पढ़ाई हो पा रही है और ना ही परीक्षाएं ठीक तरह से हो पा रही हैं। हालांकि बीते साल यानी 2020 में जैसे तैसे कुछ परीक्षाएं कराई गई थी, लेकिन 2021 की शुरुआत होते होते फिर से कोरोना की वजह से स्कूल, कॉलेज, शिक्षक संस्थान बंद हो गए, जिसे काफी परेशानियों का सामना स्टूडेंट्स को करना पड़ा। अभी हाल ही में एक मामला सामने आया जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा, वो था BTC 2019 DLED का मुद्दा। दरअसल DLED के तृतीय सेमेस्टर के छात्रों का भविष्य परीक्षा और प्रमोशन रणनीति के बीच फंसकर रह गया है। फरवरी में इनका सेशन खत्म हो गया था, लेकिन परीक्षा को लेकर अभी तक निर्णय नहीं लिया गया। इससे करीब तृतीय सेमेस्टर के 3.5 लाख छात्र प्रभावित हो रहे हैं, जिससे इन्होंने परेशान होकर अब प्रमोट करने की मांग को लेकर छात्रों ने ट्विटर पर अभियान छेड़ा है। DLED 2019 बैच के तृतीय सेमेस्टर के छात्रों का सेशन गत 6 फरवरी को समाप्त हो गया। 3 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन परीक्षाएं के संबंध में कोई निर्णय नहीं हुआ है। इसी के विरोध में DLED संयुक्त प्रशिक्षु मोर्चा UP के प्रदेश अध्यक्ष रविकांत द्विवेदी की अध्यक्षता में अभियान शुरू किया गया है। 27 मई यानी कि आज इस अभियान को ट्विटर पर ट्रेंड कराया जा रहा है और ये धरने से ट्रेंड भी हो रहा है, ऐसे समय में जब ट्विटर खुद कटघरे में खड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑल इंडिया।